अगलापुर गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव था। यहां के लोग एक से बढ़कर एक मूर्ख पड़े हैं। आम ले लो, आम ले लो भैया, आम 60 रुपए किलो आम। अरे भैया 100 रुपए में कितना आम दोगे? भैया 100 के पौने 2 किलो दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, हमको तो 1.5 किलो ही चाहिए। क्या 1.5 किलो दे रहे हो तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे 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 भैया ले लो तुम 100 के 1.5 किलो ही ले लो। रमेश को देखकर सभी आम खरीदने लगे। और भैया तनिक हमको भी 100 के 1.5 किलो दे दो ना। आम वाले ने सभी को 1.5 किलो आम दिया और पैसे ले लिए। अरे अजीब मूर्ख लोग है, मैं 100 का पौने 2 किलो दे रहा हूँ और ये 1.5 किलो ही ले गए, मुझे क्या, अपना तो फायदा ही हुआ ना। आम वाला सभी को ज्यादा दाम में आम बेचकर चला गया और ये बात जॉन ने देख ली। जॉन एक विदेशी ठग था जो गांव के भोले भाले लोगों को उल्लू बनाता था। उस शाम अशोक घर लौटा। अशोक सीता का छोटा भाई था। अरे तू आ गया, वो भी बिना बताए? हाँ दीदी, सोचा आपको सरप्राइज कर दूँ। सरप्राइज? अरे अरे मतलब मैं आपको चौंका दूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे वाह दीदी, आम? हाँ आज ही लिया है, 100 रुपए का 1.5 किलो। वो आम वाला हम लोगों को 100 रुपए का पौने 2 किलो दे रहा था, पर हमने भी झगड़ कर उससे 100 रुपए का 1.5 किलो आम ले लिया। क्या वो पौने 2 किलो दे रहा था और तुमने 100 का 1.5 किलो ही लिया? हाँ और नहीं तो क्या। अरे वाह, आज मैं पहले इंसान देख रहा हूँ जो खुद का नुकसान करवा रहा है। वो जब 100 के पौने 2 किलो दे रहा था तुम 1.5 किलो ही लेके आए। अब तुम मुझे मत समझा कि क्या अच्छा है, तुझसे कुछ साबन ज्यादा ही देखे समझा। ठीक है दीदी। अशोक समझ गया कि उसकी दीदी के साथ बहस करना बेमतलब है। अगले सुबह रोज की तरह गांव वाले नुक्कड़ पर बैठे थे, तभी एक कार आई। कार पर एक भोंपू लगा हुआ था। अरे आओ आओ, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, भैया 25 दिन में पैसा डबल। वहाँ कार रुकी और उसमें सिरंगी निकले। आइए आइए आइए, हमारे पास एक स्कीम है, उस स्कीम में आप पैसे निवेश कीजिए और 25 दिन में पैसा डबल कीजिए। डबल? अरे वाह भाई, ऐसे कैसे पैसे डबल हो जाएंगे? हाँ, हम अमेरिका से आए हैं, हम यहाँ का पैसा हमारे अमेरिका में ले जाकर हमारे शेयर बाजार में लगाते हैं, वहाँ पर पैसा धड़ाधड़ डबल होता है। अमेरिका का $1 यहाँ का 80 रुपए होता है। अमेरिका में पैसा धड़ाधड़ बढ़ता है, इसलिए हम आपको 25 दिन में पैसा डबल करके देते हैं। डबल मतलब? अरे डबल मतलब दुगने। सच्ची? हाँ हाँ, आइए आइए आइए। जॉन की बात सुनकर सभी गांव वाले उसकी बात में फंस गए। अरे भाई मेरा भी नाम लिख लो, मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ, यानी 25 दिन के बाद मुझे 49,000 मिल जाएंगे ना। यस यस। और भैया हमारे 25,000 के 50,000 मिल जाएंगे ना। हाँ हाँ, पल खोल। मेरे भी 20,000 रुपए। हाय मेरे तो 30,000। अशोक वहाँ पर पहुँच गया। वो हैरान था कि बिना कुछ सोचे समझे सभी जॉन को पैसे दे रहे थे। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सब लोग पैसे दुगने करवाने के लिए पैसे दे रहे हैं। पैसे दुगने? वो भी बस 25 दिन में। अरे पर हो सकता है ये लोग ठग हों। अरे नहीं नहीं, रंग देखा है उनका, गोरा रंग है, भला गोरे लोग भी क्या किसी को धोखा दे सकते हैं? और हमें तो 100% भरोसा है भैया। अरे मुझे भी बहुत भरोसा है इन लोगों पर। और 25 दिन में भला कौन पैसा दुगना कर सकता है? मुझे दुगने पैसे मिलेंगे तो मैं नया सोने का हार लूंगी और मैं एक मोटरसाइकिल लूंगा। पर अगर ये लोग पैसे लेकर भाग गए तो? और बच्चे हम तुम्हें चोर लग रहे हैं क्या? हम तो तुम्हारे लोगों का भला करने आए थे और तुम हमें ही चोर बता रहे हो। अरे अशोक, तुझे कितनी बार बोला है कि बड़े लोगों के बीच में मत बोला कर, हमने तुझसे ज्यादा साबन देखे हैं। पर दीदी। अरे बार कुछ नहीं, तू घर जा। अशोक उन्हें समझाता रहा लेकिन गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी। सीता ने अशोक को डांट कर घर भगा दिया। अगले दिन से जॉन रोज आता और गांव वालों से पैसा इकट्ठे करता था। अरे 25 दिन बाद मुझे पैसे दोगुने मिलेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, तुमको दोगुना मिलेगा, दोगुना। अरे इन पैसों से मैं अपने पोते के लिए एक छोटी सी साइकिल खरीदूंगा। ठीक है अंकल, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति वहाँ
से चला गया और अशोक ने उस बूढ़े व्यक्ति को देख लिया था। अशोक जॉन के पास गया। अरे तुम भोले भाले लोगों को लूट रहे हो, ऐसा मत करो। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हम गलत कर रहे हैं? बिना प्रूफ के तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते बच्चे, जाओ निकलो यहाँ से। जॉन ने अशोक को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया और ज्यादा से ज्यादा गांव वालों ने जॉन की स्कीम में पैसा निवेश किया। रोज रोज सभी जॉन के पास पैसा जमा करने लगे। अशोक की बहन सीता ने भी 10,000 रुपए जमा करवाए थे। गाँव वाले बहुत खुश लग रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनके पैसे दोगुने हो जाएंगे और वो सारे सपने पूरे करेंगे। और अब बस 10 दिन बचे हैं पैसे दोगुने होने में। अरे भाई वाह, अरे वाह 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 वा, डबल होंगे भैया डबल। ऐसे करते करते 25 दिन भी बीत गए। आखिर में वहाँ दिन आ ही गया। गांव वाले बेसब्री से जॉन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आए और उनसे पैसे ले। कई घंटे बीत गए लेकिन जॉन नहीं आया। अरे ये लोग अभी तक नहीं आए? अरे भैया बैंक में पैसे निकलवाने में टाइम लगता है। हाँ वही। 3 घंटे से भी ज्यादा बीत गए लेकिन जॉन वहाँ पर नहीं पहुँचा। अरे वो लोग नहीं आने वाले, मैंने कहा था ना वो लोग ठग है, ठग है वो लोग, मैंने कहा था ना मत दो पैसा, अब भुगतो तुम सर। अशोक की बातें अब सब गांव वालों को समझ में आ रही थी। हम लोग ही मूर्ख थे जो बिना सोचे समझे उन फिरंगियों को पैसे दे दिए। हे भगवान। अब रोकर कुछ नहीं होगा, पुलिस के पास चलना पड़ेगा। गांव वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। साहब फिरंगी थे, उन्होंने हम सबको लूट लिया साहब। हम सबका पैसा डूब गया सर। अरे पर तुम सब ने आंखें मूंद कर उनको पैसे कैसे दे दिए उन ठगों को? हमें लगा साहब कि वो गोरे लोग ये क्या धोखा देंगे। हे भगवान तुम सब मूर्ख हो, मूर्ख हो तुम। इंस्पेक्टर ने गांव वालों की कंप्लेंट को लिख लिया लेकिन गांव वालों के पैसे मिलेंगे या नहीं ये नहीं कह सकते। गांव वालों के पैसे तो समझो डूब ही गए। गांव वालों ने बिना जांचे परखे उन लोगों पर भरोसा कर लिया। लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करना, किसी भी स्कीम को लेने से पहले उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से आपको जरा सी भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।